अब उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण तरीके से करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने पिछले 3 दिनों से चल रही बैठक के बाद शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आयोग के साथ बैठक में पॉलिटिकल पार्टियों ने जाति सांप्रदायिक भाषणों पर रोक लगाने, चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती करने, मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग की गोपनीयता सुनिश्चित करने के मुद्दे उठाए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया जाएगा, जिसके चलते कोई भी नागरिक चुनाव संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेगा। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखने का विकल्प भी होगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के 63,331 मतदाता मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। तो आज हम आपको वीवीपैट के बारे में बताएंगे, ताकि एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक की तरह आप आगामी लोकसभा चुनाव में वोट कर सकें। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें पेपर स्लिप के माध्यम से मतदाता को ये पता चल जाता है कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। वीवीपैट एक तरीके का प्रिंटर होता है, जिसे ईवीएम से कनेक्ट किया जाता है। वीवीपैट ईवीएम सेटअप में एक नया एडिशन है। इसके दो हिस्से हैं, पहली यूनिट मेन बॉडी और दूसरी वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। वीवीपैट सिस्टम की फर्स्ट लेवल चेकिंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ECIL के अधिकृत इंजीनियर राजनीतिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में करते हैं। वीवीपैट का चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तैयार किया जाता है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या ECIL के अधिकृत इंजीनियर उम्मीदवारों की क्रम संख्याओं, नामों और चुनाव चिन्हों का वीवीपैट में अपलोड करते हैं। जब कोई मतदाता वोट के लिए ईवीएम में बटन दबाता है, तभी एक पेपर स्लिप वीवीपैट से प्रिंट होकर मतदाता को मिल जाता है। स्लिप में मतदाता ने किस सिंबल को वोट दिया है और उसका नाम दोनों लिखा होता है। इससे मतदाता अपने वोट को वेरीफाई कर सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर बसपा ने सवाल उठाए थे। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से भी ईवीएम पर निशाना साधा था। चुनावों को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करने तक की बात की गई थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुला न्योता दिया था तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि वे आए और ईवीएम को हैक करके दिखाएं। इस पूरे प्रकरण में 13 राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब उन्हें हैक करने का मौका दिया तो सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियां ही इलेक्शन कमीशन पहुंची, और बाद में इन 2 पार्टियों ने भी ईवीएम को चुनौती देने से मना कर दिया था। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वीवीपैट को लागू करने के लिए आदेश दिया था। फंड की कमी के चलते इलेक्शन कमीशन 2014 के लोकसभा चुनावों में वीवीपैट को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकी थी। लेकिन बीते दिनों ईवीएम कंट्रोवर्सी के बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल 2017 में 2000 करोड़ से ज्यादा फंड इलेक्शन कमीशन के लिए आवंटित कर दिए थे। इसी का नतीजा ये है कि अब इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश के सभी चुनाव केंद्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल कर पाएगा और मतदाताओं का भरोसा इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ेगा और राजनीतिक दलों की चिंता का भी समाधान होगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।